हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राधे राधे, मैं हूँ वंदना तिवारी। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल वंदना के व्यंजन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बची हुई रोटियों की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। एक बार देख लोगे तो गारंटी है देखते ही बनाने दौड़ पड़ोगे। मेरे पास यहाँ पे ये 5-6 रोटियाँ बची क्या हुई थी। मैंने आपको ये रेसिपी बताने के लिए एक्चुअली ज़्यादा बना के रख ली थी। आप भी एक बार देख लोगे तो जानबूझ कर रोटियाँ ज़्यादा बना कर रखोगे। मैंने यहाँ पे ये रोटी ली है अपनी, और ये मैंने जिससे लौकी कद्दू कसते हैं मैंने वो उससे अपने ये रोटियों को अच्छी तरह महीन कर लिया है। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा गैस पे हल्का सा गर्म करके हाथों से भी इसे मीड़ सकते हो, लेकिन हाथों से इतने महीन नहीं हो पाते, इसलिए मैंने ये इसी से की है। ये देख ली, सारी रोटियाँ मैंने अच्छी तरह अपनी कर ली है, कितनी महीन हो चुकी हैं, बिल्कुल चूरन सा बन चुका है इनका। अब मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। आप चाहो तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है, इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली है। आप थोड़ी सी इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हो। ये मैंने प्याज इसमें डाल दी है अपनी, और ये डाल दिया है मैंने इसमें धनिया। अब इसे दोनों हाथों से मैंने अच्छी तरह किया है मिक्स। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनने वाली है, गारंटी है मेरी। आप देखते ही इसे बनाने दौड़ोगे और जानबूझ कर रोटियाँ ज़्यादा बनाकर रखोगे कल से। एक बार बनाकर खा लोगे तो बार बार ऐसी इसी तरीके से बनाओगे। और ये यहाँ पे मैंने थोड़े से लिए थे आधा कटोरी पोहा, और इनमें मैंने पानी डालकर इन्हें भिगाने रख दिया था। ये देखिए, मैंने पानी इनका निकाला नहीं है, पानी इसी में अच्छी तरह इनने सोख लिया है। अब ये पोहा हम थोड़े थोड़े इसमें अपने मिलाएंगे। आप चाहो तो अगर आपके पास चावल बने हो या चावल रखे हो बने हुए, तो चावल भी इसमें मिक्स कर सकते हो। अगर चावल नहीं है तो इसमें पोहा मैंने डाल लिया है। देखिए, मैंने पोहा इसमें किया है अच्छी तरह मिक्स। थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा पोहा इसी में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैंने किए इसमें मसाले ऐड। इसमें डाला है मैंने नमक, थोड़ा सा। रोटियों में हम नमक डालते ही हैं, इसलिए मैंने नमक का यूज़ स्वादानुसार किया है। आप भी अपने हिसाब से कीजिए। इसमें डाली है मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च। देखिए, अब मैंने डाली है इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला। अब इसे कर दिया है मैंने अच्छी तरह मिक्स। सारी चीज़ों को अच्छी तरह हम करेंगे मिक्स। पोहा या चावल आपको जितना उतना मिलाना है जैसे इसके लड्डू से बन सकें। ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना है। मैंने जो पोहा लिए थे वो सारे पोहा मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। आधा कटोरी पोहा थे मेरे। ये देखिए, इसके लड्डू से बन सके ऐसे बनाना, इतना ही मिक्स करना है हमें। और ये देखिए, मैंने अपने हाथ में लेके जैसे गुजिया बनाते हैं मावा की, उसी तरीके से मैंने इसे हाथ में लेके दोनों हाथों की मदद से इसे मैंने इसकी गुजिया टाइप में मैंने इसे शेप दे दिया। आप चाहो तो इसे कचौड़ी गोल टाइप में या ऐसे भी कर सकते हो, कचौड़ी टाइप में भी थोड़ा सा लड्डू सा हाथ में बना के दोनों हाथों को अच्छी तरह से पुश करेंगे दोनों हाथों की मदद से। उस टाइप में, इस कचौड़ी टाइप में भी आप बना सकते हो। देखिए, मैंने यहाँ पे ये लंबे लंबे शेप में बना लिए हैं, और मैं एक आपको दूसरा शेप भी बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको लड्डू सा बनाया है, और मैंने दोनों हथेलियों की मदद से इसको पुश किया है। जैसे कचौड़ियाँ होती हैं हमारी, उस टाइप में भी आप इसे बना सकते हो। अब इसी तरीके से मैंने कुछ थोड़ी गोल शेप में, थोड़ी सी लंबी शेप में मैंने सारे इसके बना के रख ली हैं। ये देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है खा करके। ये मेरी सारी यहाँ पे बन चुकी हैं। ये मैंने थोड़ी गोल शेप में बनाई हैं, ये थोड़ी लंबी शेप में बनाई हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में रख दिया था मैंने पानी बॉईल करने। आप चाहो भगोनी में या चौड़ी कढ़ाई में, किसी में भी रख सकते हो, आप अपनी सुविधा अनुसार। और इस पर रखी है मैंने ये दूध वूध पे जो चलनी रखते हैं वो स्टील की। अब ये देखिए, मैंने इस पर अपनी जितनी मेरी बनी थी उतनी मैंने इसे रख दी। मैंने 2 बार मैंने अच्छी तरह बॉईल किया है। जैसे हमारे भाप में जो इडली मोमोज बनते हैं ना, उसी तरीके से इसे भाप में ही सेकना है। अब मैंने इस पर इडली का कुकर का जो ढक्कन था वो लगा दिया है, इससे इसमें भाप ऊपर बन थोड़ी हो सके
लेवल पे नहीं रखना है, नहीं तो ये हमारी गीली हो जाएंगी। आप चाहो तो इडली के स्टैंड में भी इन्हें बना सकते हो, इडली के जो सांचे होते हैं उनमें इन्हें रख के और इसका ढक्कन लगा करके बना सकते हो। थोड़ी सी अभी चिपक रही हैं, अभी थोड़ी कच्ची है, मैंने इसे थोड़ा सा और ढक के रख दिया है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके मैंने इसे छलनी पे थोड़ा सा तेल जरूर लगाना पहले, थोड़ा से ठंडा होने के बाद ही इसमें ऐसे निकालना। मैंने ठंडा होने के बाद में ऐसे निकाल लिया है। अब मैंने इस पर दूसरी जो बनी हुई थी वो भी रख दी है, ऐसे इसे लगा दिया है ढक्कन। ये देखिए 5-7 मिनट में ही अच्छी तरह पक जाती है, बस मैंने 5-7 मिनट के लिए ही इन्हें रखा है। ये देखिए मैंने सारी निकाल ली हैं, अब इन्हें हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही ठंडा होने के लिए। इन्हें बिल्कुल ठंडा होने के बाद में मैंने चाकू से इन्हें मैंने इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं, आप चाहो दो आप चाहो तीन, जैसे आपको सही लगे उस हिसाब से इसके पीस करने हैं चाकू से। मैंने किसी जो बड़ी थी उसमें से दो, छोटी थी इसमें से जो बड़ी थी उसमें से तीन, जो छोटी थी उसमें से दो पीस कर लिए हैं मैंने, और जो हमारी गोल थी उसमें से भी मैंने 2 या 4 पीस कर लिए हैं। ये देखिए मैंने सारे अच्छी तरह इसके पीसेस कर लिए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में रखा है ऑयल गर्म करने, ऑयल गर्म होने के बाद में डाला है मैंने इसमें जीरा, और इसके साथ में मैंने डाला है यहाँ पे सफ़ेद तिल होता है, सफ़ेद तिल ही वो डाली है मैंने। सफ़ेद तिल के बाद में मैंने डाला यहाँ पे कड़ी पत्ता, मीठा नीम, और इसमें डाली है थोड़ी सी हल्दी, और मैंने मिर्ची और मसाले थोड़े से उसी में ऐड कर दिए थे। आप चाहो तो यहाँ पे हरी मिर्ची भी बारीक कटी हुई डाल सकते हो। तिल से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है और बिल्कुल गुजराती डिश बन के तैयार होने वाली है हमारी ये। और इसी में मैंने अपने ये सारे पीस किए थे इसके, जो मैंने किए हैं इसमें मिक्स। ये देखिए अब इसको मैंने अच्छी तरह चला दिया है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, लो नहीं रखना है, ज़्यादा ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है वरना जल जाएंगे। लो रखोगे तो ये चिपक जाएंगे कढ़ाई से, इसलिए मीडियम पे ही हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुए थे, एक बार जरूर ट्राई करना आपको, अब आपके बच्चों को पूरी फैमिली को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। रोज़ रोज़ आप जानबूझकर रोटियां ज़्यादा बनाओगे ये गारंटी है मेरी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि मैं आने वाली हर वीडियो आप तक भेज सकूं। और उम्मीद करती हूँ मैं नई नई वीडियो आपके लिए ऐसे ही ला सकूं। मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है, जितनी देखने में लग रही है उससे कई ज़्यादा ये खाने में भी स्वादिष्ट थी। आप इसे चाहो तो हरे धनिया टमाटर की चटनी से भी खा सकते हैं या सौंस से भी, बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। वाह, मुंह में पानी आ गया, जल्दी से बनाइए और खाइए, बताइए।